नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। बहुजन विकास आघाड़ी की संगीता थोरात लगी जन समस्याओं के निवारण में। नाला सोपारा के अलकापुरी JBS गली वार्ड क्रमांक 82 के स्थानिक पिछले कई महीने से जन समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसमें पानी, गटर, सड़क जैसी समस्याएं थी। गटर का पानी गटर में ना जाकर सड़कों पर बह रहा था, नाले जाम पड़े हुए थे। वहीं जब से क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी की महिला कार्यकर्ता संगीता थोरात की नज़र पड़ी तो उन्होंने जन समस्याओं का निवारण करने हेतु अपना कदम उठाते हुए जनता के सामने जाना शुरू किया। आगे आप खुद देख सकते हैं, आप ही सुनिए क्या थी जनता की समस्याएं, आप ही सुनिए जनता की जुबानी। आपकी सोसाइटी में क्या समस्या? नहीं बोलने का, एकदम खुल के बोलो। वो मेरा गटर आज कम से कम एक महीने से भरा हुआ, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैडम के पास मैंने गई, समस्या बताई उनको सब, और इसके वजह से और जो पानी वानी देते वो बराबर सुनते भी हैं, लेकिन साफ बराबर नहीं हो रहा है गटर। इसके लिए मैडम को पानी देते भी हैं, तो कुछ कोशिश करें मेरा गटर साफ हो जाए। वही हमने इस बारे में संगीता थोरात से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें जल्द ही समाप्त किया जाएगा। अलकापुरी 82 वार्ड में मैं लास्ट 10 दिन से यहाँ पे देख रही हूँ, हर चाली में गटर की प्रॉब्लम है। पानी की तो समस्या है ही, पर गटर की बहुत ज़्यादा पैमाने पर समस्या है। अपने नगर पालिका के जितने भी लोग हैं वो सब काम करें, पर यहाँ के लोग थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन आना चाहिए। ऊपर से कचरा फेंकना, प्लास्टिक फेंकना है, बॉटल्स फेंकते, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि सारा गटर और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। वो प्रॉपर होगा तो शायद अच्छा ड्रेनेज हो जाएगा, पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से ये हो रहा है कि जो भी कचरा हो रहा है आ रहा है वो उसमें फंस रहा है, और फंसने की वजह से पूरा पानी बाहर आ रहा है। तो ये समस्या काफ़ी लोगों की मैं देख रही हूँ। पानी का है तो पानी का हो जाएगा, मतलब वो उसकी समस्या ज़्यादा नहीं है, पर गटर की समस्या बहुत ज़्यादा है। लाइट का है, लाइट का थोड़ा सा बैलेंस में चल रहा है। ये तीनों समस्या काफ़ी देख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इसलिए लास्ट 10 दिन से मैं आ रही हूँ, साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। लोग भी नगर पालिका के सारे लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो और लोगों की जो समस्या है वो देख रही हूँ। मेरे से जितना होता है मैं काम करूँगी। पहले वाले अपने नगर सेवक थे, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, पर कैसा सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से ये सारी चीज़ों को हम लोग फेस कर रहे हैं। पेश है नाला सोपारा की यह खास रिपोर्ट। मैं शमीम शेख बोल रही हूँ 82 वार्ड से, मैम की असिस्टेंट है। तो मैम काफ़ी दिनों से यहाँ पे आई है, तो पहले चंद्रकांत गोरेले सर का मैं आभार हूँ कि उन्होंने भी बहुत कोशिश किया, पर यहाँ पे ऐसे है कि मतलब नहीं जान के भी गंदगी वही होती है, तो उन्होंने भी किया। अभी मैडम आने से काफ़ी दिनों से मैडम यही समस्या हल कर रहे हैं, तो जहाँ तक है कि आप लोग भी कोशिश करिए और हम लोगों को तक भी यही जानकारी दीजिए कि गंदगी ना करें तो बहुत अच्छा है। और हमारा यही है कि हमारे लिए मैडम आज करे हैं, तो बस इनका यही सपोर्ट है कि लोगों के लिए हम मेहनत करें और हमारे लिए हमारे साथ ये हमेशा आगे बढ़कर आए।